तो दोस्तों आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऑयल पेस्टल की हेल्प से पैरेट का चित्र बनाना सिखाएंगे। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया तो उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिए। पहले हम यहाँ पे पैरेट का पूरा स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको करना क्या होगा, पहले आप ऊपर के साइड में एक छोटा सा ऐसे हाफ सर्किल बनाइएगा, इस तरह हाफ सर्किल बना देंगे। फिर आपको इसको हल्का सा ऐसे अंदर की तरफ ले जाना होगा। अंदर की तरफ ले जाने के बाद आगे के साइड में ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा, एक छोटा सा हाफ सर्किल आप यहाँ पे बना देंगे, नीचे के साइड में करिए, फिर ऊपर के साइड में यहाँ पे ऐसे ले जाइएगा। अब आपको इधर से ऐसे अंदर की तरफ मिलाना होगा। मिलाने के बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इधर से आप ऐसे अंदर की तरफ करते हुए इसको आप ऐसे नीचे की तरफ ले जाइएगा। यहाँ पे हम ऐसे बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद इधर से हाफ सर्किल बनाते हुए इसको आप ऐसे आगे की तरफ बढ़ाइएगा, यहाँ पे ऐसे मिलाइएगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और ड्राइंग बनाएं तो भी आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपके लिए वो ड्राइंग बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखा देंगे। फिर देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाना होगा, एक लाइन इधर ऐसे ड्रॉ करिएगा, ये हो जाएगा हमारा। इसको टच करते हुए आप आगे की तरफ बढ़ाइए, फिर यहाँ से ऐसे इसको मिला दीजिएगा। यहाँ तक हो गया। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आपको करना क्या है, हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए यहाँ पे लाकर ऐसे छोड़ दीजिए, इधर से आपको हल्का सा हाफ सर्किल बनाते हुए यहाँ पे लाकर ऐसे ले जाना होगा, एक स्ट्रेट लाइन इधर ड्रॉ करिएगा। अब आपको इधर से आगे की तरफ बढ़ाना होगा, यहाँ पे आप इस पैरेट का लेग बना दीजिएगा, इसको ऐसे अंदर की तरफ करिएगा और यहाँ से ऐसे मिला दीजिएगा। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ाइए, इसको भी आगे की तरफ बढ़ाइएगा, एक ब्रांच बनाएंगे हम, यहाँ पे ऐसे आगे की तरफ बढ़ाते हुए इसको यहाँ से ऐसे बढ़ा दीजिएगा। इधर आप छोटे छोटे लाइन ड्रॉ करके इसको डबल कर दीजिएगा, इस साइड भी आप ऐसे डबल कर देंगे। सेम प्रोसेस दोस्तों, इधर भी आप ऐसे रिपीट कर दीजिएगा, ये हो गया। और दोस्तों अब आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, एक सर्किल बनाइएगा, छोटा सा आप ऐसे पॉइंट लगा दीजिएगा। तो ये हमारा पैरेट का स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। तो चलिए अब हम इसको ऑयल पेस्टल की हेल्प से कलर करना भी सीख लेते हैं।